जोधपुर की कायलाना झील में एक युवक का शव मिला है। युवक की गुमशुदगी दर्ज थी। इस दौरान तलाश करने पर उसका मोबाइल व चप्पल झील के पास मिलने पर गोताखोरों ने झील में तलाशी ली। शव सुबह मिला है। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय युवक कपिल शास्त्री पंडित का कार्यकर्ता था। ऑनलाइन गेम्स का एडिक्शन होने की वजह से गेम में लाखों रुपए हार गया था। इस दबाव में वह झील में कूद गया। ऑनलाइन गेम की लत ने छीनी जिंदगी। पंडित का शव झील में मिला। परिजन बोले गेम में लाखों रुपए लुटा चुका था। महामंदिर तीसरी पोल राजीव नगर निवासी कथावाचक भरत शास्त्री का इकलौता पुत्र था। लापता युवक की तलाश के दौरान कायलाना झील के किनारे मोबाइल और चप्पल मिले हैं। युवक के कायलाना में डूबने की सूचना के बाद सर्च अभियान शुरू किया गया। गोताखोर भरत, अशोक व मालवी बंधुओं ने शव की तलाश की है। कपिल का शव कायलाना में मिला है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बताया जाता है कि ऑनलाइन गेम्स के एडिक्शन में कपिल ने करीब 25 से 30 लाख रुपए गवा दिए थे। मामले में आईओ महामंदिर थाना बाबूलाल सारा ने बताया कि अभी जानकारी जुटाई जा रही है। मालवी बंधु दाऊलाल मालवी ने बताया कि दोपहर 1 बजे युवक झील में कूदा था। रात 2 बजे उसका मोबाइल झील के किनारे मिला। रात में सर्च नहीं कर पाए। सुबह करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव मिला है। मौके पर मौजूद उसके परिजनों ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलने पर वह लाखों रुपए हार गया था। कुछ दिन पहले ही पिता ने करीब 15 लाख रुपए चुकाए थे। फिर से 20 लाख के करीब हार जाने से कपिल दबाव में आ गया था। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।